नीतू सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़े खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। जमीनी रंजिश में तीन लोगों की हत्या। जी हां, प्रयागराज के धूमनगंज के चौफटका निवासी अजीत यादव 40 वर्ष की पुत्री बिरजू का रात कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद के दौरान गोली चलाने लगे जिसमें अजीत और रवि शंकर गोली लगने से जमीन पर गिर पड़े। गोली के कारण पुत्र कमल भारतीय भी घायल हो गए और वह हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए। गोली मारे जाने की सूचना पर धूमनगंज थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और गोली से घायल अजीत और रविशंकर को उपचार के लिए तत्काल स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने अजीत व रविशंकर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर चीरघर भेज दिया है। हत्या की सूचना पर आईजी प्रयागराज, डीआईजी कूपी सामंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस जांच की शुरू कर दी। इस संबंध में एसएसपी का कहना है कि मामला जमीनी रंजिश का लग रहा है और मौके पे पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते एडीजी प्रयागराज और अतुल शर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज। कारण ये यहां तक घटना को अंजाम दिया था। थाना धूमनगंज का ये मामला है जिसमें दो लोगों का मर्डर होने की बात सामने आई है और गोली लगने की सूचना है। जो भी है सभी हॉस्पिटल में इस समय है। पता लगा है ये रास्ते का विवाद था जिसमें दीवार उठाने की बात आई है और इसमें अभी आगे की कार्रवाई हो रही है। कितने लोगों को लगी थी? ये लगभग तीन लोगों को भी बताया जा रहा है कि जो है जो कच्चे आए हैं, बाकी अभी अन्य सूचना हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। दो लोगों का स्थान मृत्यु हो गई है। विवाद का कारण क्या? विवाद का कारण रास्ते में दीवार उठाने की बात आ रही है। ये लगभग एक महीने से उसमें आज उन्होंने दीवार उठाने की बात की तो उन्होंने दीवार उठाने का काम किया और इसी में जब पुलिस ने उनका प्रयास किया तो उन्होंने शायद डिस्परेशन में जब पुलिस जांच करी क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए अंदर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो तभी हाँ क्राइम ब्रांच ने और सिविल पुलिस ने जाकर के साथ में वहाँ पर लगभग पाँच लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी अन्य लोग भी उनसे पूछताछ की जा रही है कौन लोग मौके पर थे, उन्होंने कहाँ करें उसके आधार पर कार्रवाई। चोरी और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरफ्तार। जी हां, प्रयागराज के मऊ आईमा थाना अंतर्गत छोटी सी लेकर बड़ी चोरी और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर गिरफ्तार हुए। मुखबिर की सूचना पर बागी चौराहे से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और चार अभियुक्तों को फरार हो गए। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोग सोने व चांदी से लेकर बाइक चोरी हत्या की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसमें मुखबिर को पुलिस ने अच्छा काम किया इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते हैं अतुल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस। मर्डर भी हुआ था इसमें जो ये पता चला है, इसमें एक बड़ा गैंग था जो कि सक्रिय गैंग है 8 लोगों का लगभग। इसमें 4 सदस्य आज गिरफ्तार हुए हैं, अनिल कुमार सरोज, शमशाद, कुलदीप सरोज और अशोक पटेल। इनके 4 साथी अभी फरार हैं, उनके बारे में इनसे पूछताछ करके उनको भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें कुल मिलाकर के जो बरामदगी हुई इसमें 9 तमंचे मिले हैं, 9 मोटरसाइकिलें मिली हैं, साथ में 4,000 अभियुक्तों के पास से रुपया नगद बरामद हुआ है। इनके द्वारा कई अपराध अब तक किए जा चुके हैं जिला प्रयागराज में, जिसमें 6 अपराध अब तक संज्ञान में आ चुके हैं। अन्य अपराध भी इनके द्वारा किए जाने स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं का भी किया है, अंजाम दिया है, लेकिन छोटी घटना होने के कारण शायद लोगों ने उन घटनों को नहीं लिखा जाए किसी वजह से। टीम ने बहुत बड़ा कार्य किया है इसलिए इसमें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा कर ही रहे हैं, साथ साथ डीआईजी रेंज साहब को भी इसको आगे भेज रहे हैं। सर, ये इनकी कार्यशैली क्या थी? चूँकि छोटी और बड़ी सारी घटनाओं को वारदात, चाहे चोरी हो चाहे हत्या हो, सारी कई घटनाओं को इन्होंने किया, किस तरह से करते हैं? ये उनका ये था कि चूँकि बड़ा गैंग था तो इन्होंने काम बटा हुआ था, कुछ लोग रैकी करते थे, उसके बाद कुछ लोग जाते थे वहाँ पर और रैकी करके पता लगाते थे, उसके बाद दूसरा गैंग जो था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था और उसके बाद फिर ये लोग अपना काम को अंजाम देते थे। सर, एक प्रयागराज ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस एवं भाई बहन के असीमित प्रेम के प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशहाली समृद्धि लेकर आए, इसी दुआ के साथ जय हिंद जय भारत।
ब्लॉक शाहजहाँपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है और नजर डालते हैं आगे के तमाम बड़ी खबरों पर। गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए विशेष इंतजाम। जी हां, प्रयागराज के गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया गया, जिसमें जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी द्वारा किया गया और इस तरह के संकट स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आज बंधवा स्थित लेटे हुए हनुमान जी तक पानी पहुंच गया और जलाभिषेक करने मंदिर में पहुंचा गंगा और यमुना का पानी, जिसमें विशेष पूजन के साथ माँ गंगा की हुई आराधना की गयी। प्रयागराज से हमारे सरकार जो है बहुत ही चिंतित है और साथ में इसमें हमारे लेवल से प्लग पीएससी का की मांग की गई थी जो हमें प्राप्त होने वाली है। साथ में अतिरिक्त पीएससी भी हमें 30 तारीख तक मिली हुई है। इसके अलावा जो बाढ़ क्षेत्र से संदर्भित हमारे थाना क्षेत्र हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर किसी प्रकार की भी ऐसी सूचना होती है तो बीट सिपाही अपने लोकल जो राजस्व अधिकारी हैं या बाढ़ नियंत्रण अधिकारी उनसे संपर्क में रहें। अगर कि अगर कोई सूचना दी जाती है तो तत्काल थाने को इन्फॉर्म करके लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करें। इसके अतिरिक्त तो बाढ़ के नियंत्रण अधिकारी भी लगातार इसमें नियंत्रण की जगह दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। डीएम साहब ने भी इसमें अपने स्तर से पर्याप्त निर्देश दे रखे हैं, वो उस पर पर्याप्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जी हां, प्रयागराज के थाना उतराव अंतर्गत पुलिस द्वारा अंतरजनपदीय लूट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 80 पेटी चोरी का सरसों का तेल के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार एवं एक टाटा मैजिक तेल लदा हुआ बरामद किया गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते हैं अतुल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। और एक खबर है ना, थाना उतराव थाना मोहिमा में तो बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धियां आई हैं, जिसमें थाना उतराव में अंतर जनपदीय चूट चोरी और लूट कब्जनी का गिरोह है, जिसमें 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं और साथ साथ इनसे 80 पेटी सरसों का तेल बरामद हुआ है, एक अदद लोडर टाटा मैजिक मिला है और साथ में ये 80 पेटी सरसों का तेल मिला है। ये जो अभियुक्त हैं संतोष कुमार, अरविंद कुमार, जब्बू भारतीय, सताई भारतीय, जयसिंह और सतीश मौर्य हैं। ये सभी के सभी थाना उतराव के रहने वाले हैं। टीम की इस बड़ी उपलब्धि पर हमने 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। इसी तरह से कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान। जी हां, प्रयागराज के हंडिया तहसील के ग्राम सभा जगुआ सोधा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में सैकड़ों लोग सदस्यता लेकर भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही सांसद रमेश चंद्र बिंद रहे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार की प्रभावी योजनाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी और समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। सांसद रमेश चंद्र का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रमाशंकर बिंद एडवोकेट ने किया। इस मौके पर समाज सेवी धवल त्रिपाठी, अनुराग पांडे, अनुराग केशरवानी, अरुण तिवारी, कृष्णानंद, रामचंद्र बिंद, राकेश मिश्र, अशोक बिंद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ग्रामीण मौजूद रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आप एक कर्मठ समाज सेवी है जगुआ सोदा से, हटिया क्षेत्र की धरती से। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है कार्यक्रम, इनकी योजना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 2014 से ही सबसे बड़ी पार्टी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है और हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी इस समय भी चरम उत्कर्ष पे है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं और लोगों के बीच में उत्साह देख रहे हैं कि कंधे से कंधा मिला करके लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहे हैं। और आज भी हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हुए हैं और हम अपने गांव में भी एक कार्यक्रम किया हुआ है सदस्यता अभियान का, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और लगभग हमारे गांव से करीब 300-400 लोग आज सदस्यता अभियान में सम्मिलित हुए हैं और पंजीकृत कराए हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपके पूरे समाज में जो भी पार्टी के सदस्य हैं, साथ साथ जो और कार्यकर्ता हैं, ये लोग तेजी के साथ अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी जाति और धर्म से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ मिल करके सबका विकास करना चाहती है और ये तेज हमारे धरती पर भी दिख रहा है, जमीन पर भी दिख रहा है कि
सभी जाति और धर्मों के लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों का सहभागिता है। और हम फिर से अपने जो ये इस समय हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अभियान है और उसमें फिर से हम लोग सबसे बड़ी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे खबरों का सिलसिला लगातार ऐसा ही बरकरार रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।